दोस्तों आज है हमारे पास मारुति सुजुकी की वैगन आर। अब वैगन आर तो आपने मेरी कई वीडियोस में देखी है, बट आज है हमारे पास मारुति सुजुकी का वैगन आर का टॉप एंड यानी कि ZXi प्लस ऑटो गियर शिफ्ट। ये जो है 1.2 लीटर वाला इंजन है जो कि आपको स्विफ्ट में देखने को मिलता है। तो शुरुआत करते हैं हम फ्रेंड से कि क्या ऑन ऑफ होता है। लाइट्स का सेटअप जो है वो बिल्कुल ही सेम नजर आएगा। हेलोजन है, रिफ्लेक्टर बेस्ड है, यहाँ पे मेन है, यहाँ पे पार्किंग लैंप्स है, यहाँ पे जो है इंडिकेटर्स आपको नजर आएंगे और इसमें जो है फॉग लैंप्स भी ऐड हो जाते हैं। 1.2 में जो है आपको दो वेरिएंट नजर आते हैं, ZXi और ZXi प्लस। अब ये जो है ZXi प्लस वेरिएंट है। ZXi में जो है कुछ चीजें मिसिंग रहती है, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा या एक उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे जब जो है गाड़ी अवेलेबल रहेगी। फ्रेंड में आपको यहाँ पे जो है सिल्वर क्रोम लाइनिंग देखने को मिलेगी जो कि नॉर्मल वैगन आर से मिसिंग रहती है और स्प्लिट जो है ग्रिल आपको नजर आती है। ये जो है सिग्नेचर कलर है वैगन आर का, ड्यूल टोन में आएगी। पता आप इससे भी लगा सकते हो क्योंकि सिर्फ टॉप एंड जो है वो ड्यूल टोन में आता है। साइड में जो है अलॉयज भी आपको नजर आएंगे क्योंकि वैगन आर में कंपनी फिटेड अलॉयज आपने काफी कम देखे होंगे। यहाँ पे आपको 165/70 R14 इंचेस के टायर ऑन ऑफर हो जाते हैं। फेंडर लाइनिंग कंप्लीट है और जो है सस्पेंशन कुछ इस तरीके के आपको नजर आते हैं। साइड में आएंगे तो बॉडी कलर जो है वो डोर हैंडल्स नजर आएंगे और की जो है कुछ इस तरीके की है, मारुति की टिपिकल जैसे की आती है, इसलिए यहाँ पे जो है की होल दिया गया है। बी पिलर जो है वो बॉडी कलर सॉरी ब्लैक आउट है और सी पिलर भी आपको हल्के से ब्लैक आउट नजर आएंगे। पीछे भी जो है एलॉयज आपको नजर आएंगे, ब्लैक एलॉयज व्हील्स हैं, थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है अभी बस, और पीछे का सस्पेंशन सेटअप कुछ इस तरीके का। पीछे से दिखा देता हूँ एक बार कि कैसा लुक आता है। एलईडी टेल लाइट्स नहीं है बट जो है काफी बड़ी टेल लाइट्स है। यहाँ पे आपको जो है ब्रेक लाइट ये ऑलवेज ऑन रहेगी और ये जो है ब्रेक पे डार्क हो जाएगी। यहाँ पे इंडिकेटर है, नीचे आएंगे तो आपके पास रिवर्स लैम्प है और यहाँ पे जो है नंबर प्लेट की लाइट भी आपको नजर आएगी। यहाँ पे जो है वैगन आर लिखा गया है, यहाँ पे सुजुकी का लोगो है, रियर वाइपर है और डी फॉर जो है वो इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ जो है रियर वॉशर है, माउंट स्टॉप लैंप है, एंटीना जो है वो आगे है बड़ा सा, अभी लगा नहीं हुआ, और नीचे जो है रिफ्लेक्टर नजर आएंगे। साइड प्रोफाइल जो है कुछ इस तरीके की है। अब एक बार चलते हैं और हाँ रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो देख लेते हैं। उसमें दो ही आते हैं आई थिंक, हाँ इसमें दो ही नजर आ रहे हैं, बाकी एक बार देख लेंगे। अब एक बार चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ आपको कि क्या कुछ ऑन ऑफर होता है। सबसे पहले तो बीज ड्यूल टोन इंटीरियर हमें नजर आता है जो कि काफी बेहतरीन लगता है, थोड़ा सा लग्जरीज बनाता है और जो है वैगनर खरीदने वालों को और भी ज्यादा इम्प्रेस करता है। अब जो है स्टार्ट करते हैं ड्राइवर साइड से, एक बार जो है हम की से ऑन कर लेते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको चारों की चारों पावर विंडोज नजर आएंगी। ORVMs जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल भी है। हाँ, जो आपको ऑटोमेटिकली फोल्डेबल है वो नहीं आते वैगन आर में, चाहे आप उसका टॉप एंड भी ले लीजिए। ऑटो अप डाउन जो है सिर्फ ड्राइवर साइड पे नजर आएगा। यहाँ पे जो है विंडो लॉक है, यहाँ पे जो है आपके पास लॉक का स्विच है। यहाँ की बात करें तो डोर हैंडल्स जो है वो आपको सिल्वर में नजर आएंगे और यहाँ पे जो है आपके पास लॉक है और यहाँ पे सारा का सारा हार्ड प्लास्टिक आपको नजर आता है। अब साइड पे दिखाता हूँ कि साइड पे क्या कुछ ऑन ऑफर होते हैं। यहाँ पे जो है आपके पास ऑटोमेटिक ऑन ऑफ है, ट्रैक्शन कंट्रोल है और यहाँ पे आपके पास जो है हेडलाइट लेवलर नजर आएगा। AC वेंट है, यहाँ पे आपके पास आसपास जो है सिल्वर लाइनिंग मूव करते हुए देखेगी, गोल से है और यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत टेक्सचर भी आपको नजर आता है अगर आपको करीब से दिखाऊं तो। स्टेयरिंग व्हील जो है कुछ इस तरीके का, मैं सीट जो है कम्प्लीटली पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं। स्टेयरिंग व्हील जो है कुछ इस तरीके का है, सुंदर लगता है। पहले में जो था काफी बेसिक स्टेयरिंग व्हील आया करता था, यहाँ पे आपको जो है म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स नजर आएंगे। क्रूज कंट्रोल जो है वो किसी भी तरीके का नहीं है। यहाँ पे जो है आपके पास हेडलाइट स्टॉक है, हेडलाइट जो है ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ से आप फॉग लैंप्स ऑन कर सकते हैं। फ्रंट के आते हैं और आपको याद दिला दूं कि 2012 वाली जो वैगन आर थी उसमें हमें रियर फॉग लैंप भी नजर आता था, तो कमाल की बात थी क्योंकि वैगन आर में ऐसी सेफ्टी फीचर्स होना बड़ी बात है। और यहाँ पे हमें रियर वाइपर भी ऑन ऑफर हो जाता है, ऑटोमेटिक वाइपर जैसी कोई भी चीज नहीं है। ये है वैगन आर का नया डिजिटल स्पीडोमीटर, सॉरी ये जो है स्पीडोमीटर है। यहाँ पे जो है छोटी सी एक MID है, इसमें टैकोमीटर आपको जो है डिजिटल मिल जाता है। वार्निंग लाइट्स इधर आती हैं, यहाँ पे कोई भी वार्निंग लाइट नहीं आएगी। यहाँ पे जो है आपके पास टैकोमीटर है, यहाँ पे जो है NPRND दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऑटो गियर शिफ्ट है। और यहाँ पे जो है आपके पास रेंज दिखाएगा, ये जो है टोटल किलोमीटर है, यहाँ पे जो है ट्रिप ए है, ट्रिप बी है,
यहाँ पे जो है डिस्टेंस टू एम्पटी दिखाएगा, यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा, यहाँ पे रेंज दिखाएगा, और नीचे जो है टाइम और नीचे जो है फ्यूल, उसके नीचे जो है फ्यूल दिखाता रहेगा। स्टेयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट देख लेते हैं किस तरीके की है। सिर्फ टिल्ट आपको एडजस्टेबल स्टेयरिंग नजर आता है और किसी भी तरीके का जो है एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है एक और चीज एड ऑन होती है, वो है ये 7 इंच की टच स्क्रीन। बहुत ही बेसिक टच स्क्रीन है, बस इसमें जो है हमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है वो नजर आ जाता है। अगर आपको दिखाऊं जो आपने कई वीडियोस में देखी भी होगी मारुति की कार्स में, यहाँ जो है बिल्कुल बेसिक टच स्क्रीन है इसको। हाँ, इसमें जो है एप्पल कारप्ले हमें नजर आता है, तो वो अच्छी बात एक है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपके पास मैनुअल एसी नजर आएगा। यहाँ पे जो है फैन ब्लो की स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं, वेंटिलेशन है, यहाँ पे जो है आपके पास मोड्स हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर। नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए यूएसबी पोर्ट है, साथ में ऑडियो जैक है, और यहाँ पे जो है 12 वी का सॉकेट। फोन रख सकते हैं, 2-3 फोन आराम से आ जाएंगे। ये जो है आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, बड़े प्यार से आप जो है मैनुअल पे भी शिफ्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे। यहाँ पे जो है मैनुअल हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल है, और यहाँ पे जो है रिवर्स आ जाएगा आपके पास, और कुछ इस तरीके की जो है एनिमेशन दिखाता है सेंसर्स में। अब जो है गाड़ी न्यूट्रल है। यहाँ पे आएंगे तो आपके पास जो है बॉटल होल्डर कह लो या थोड़ा बहुत कभी स्पेस कह लो, वो आपके पास नजर आता है। ये की रखने की जगह है, बट की जो है हमेशा गाड़ी में ही लगी रहेगी। यहाँ पे आपके पास हैंड ब्रेक है, आर्म रेस्ट जैसी कोई भी चीज नहीं है। सीट का टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरीके से है, और जो है कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आएंगे तो आपके पास एसी वेंट्स हैं, थोड़े से सेंटर वाले सुंदर लगते हैं, और एयर बैग जो है वो दो ही आपको नजर आते हैं। और यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स दिखाऊं तो ठीक ठाक स्पेस का ये भी है। ऊपर आएंगे तो मैनुअल आईआर भी हम आपको नजर आएगा, मतलब डे नाइट मैनुअल वाला। और यहाँ पे आपके पास हेलोजन रीडिंग लैंप है, यहाँ पे जो है माइक नजर आएगा, यहाँ पे जो है टिकट होल्डर है, और इधर देखें तो एक वैनिटी मिरर भी आपको नजर आता है। ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। ऊपर का जो है ये हाफ ब्लैक आपको नजर आएगा, और ऊपर रूफ जो है वो बीच कलर की आपको नजर आएगी, या फिर ग्रे कह लो। और नीचे जो है यहाँ पे भी ड्यूल टोन है, ये ग्रे टाइप है, डार्क ग्रे, और बीच वाला जो है बीच कलर है। सीट जो है वो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि आपको बकेट सीट्स मिलेंगी, प्रॉपर कंफर्ट मिलेगा, बट प्राइस के हिसाब से जो है आपको ठीक ठाक चीज नजर आती है। अब जो है पीछे चलते हैं, स्पेस देखते हैं कि इसमें जो है स्पेस भी बदला है या फिर नहीं। यहाँ पे जो है आपके पास काफी बड़े डोर्स नजर आते हैं, और साइड में जो है आपके पास बॉटल होल्डर है, और यहाँ पे जो है आपके पास नजर आएगी मैगजीन होल्डर। 4 स्पीकर्स ऑन ऑफर होते हैं, ट्विटर जैसी कोई भी चीज हमें ऑन ऑफर नहीं होती है। पीछे दिखा देता हूँ क्या एमिनिटीज ऑन ऑफर होती है। देखो यहाँ तो कुछ भी ऑन ऑफर नहीं होगा, कोई भी चार्जिंग सॉकेट जैसी चीज नहीं है। यहाँ पे पावर विंडो का स्विच है, यहाँ पे बॉटल होल्डर है, और जो है यहाँ पे आज तक हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। इवन जो है पहले वैगन आर जो आती थी 2012 में, वहां पे जो है पीछे का भी यहाँ पे एक रीडिंग लैंप नजर आता था, यानी कि हमें उसमें 2 रीडिंग लैंप देखने को मिलते थे। बट कॉस्ट कटिंग जो है वो आज भी चल रही है, और हेडरेस्ट जो है वो भी फिक्स्ड है सारे के सारे। तब जो थे हमें बेस वेरिएंट में ही हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नजर आते थे। यहाँ पे जो है आपके पास एक लैप बेल्ट आपको नजर आती है बीच वाली, बाकी 3 पॉइंटर सीट बेल्ट है। अब एक बार जो है आपको बूट दिखा देता हूँ। बूट का स्पेस जो है वैगन आर में हमेशा बढ़िया ही रहा है, यानी 4 बंदे अगर कोई ट्रिप पे जा रहे हैं तो बहुत ही आराम से जो है लोड ले लेती है। अब एक बार जो है यहाँ देख लेते हैं, नॉन एलॉय है स्पेयर व्हील, और यहाँ पे जो है टूल किट है, और लैंप जो है वो किसी भी तरीके का नहीं दिया गया, आप जो है वो देख सकते हैं। पास एल्ट्री ऑन ऑफर हो जाती है। अब एक बार दिखाता हूँ इसकी मेन जान, यानी कि इसका इंजन बे, क्योंकि इसमें आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन नेचुरल एस्पिरेटेड, जो कि हमें पहले स्विफ्ट में नजर आता था, यानी कि 2024 की से पहले की जितनी भी स्विफ्ट थी वो उसमें नजर आता था। ये है 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, यानी कि मारुति का, या फिर यूं कहूं कि पेट्रोल में 1.2 लीटर में सबसे बेस्ट इंजन, जो कि माइलेज भी अच्छी खासी देता है, सबसे पावरफुल इंजन भी है, यानी कि ऑलमोस्ट 90 पीएस के आसपास ये निकाल देता है। और क्लेम माइलेज जो है इसकी वो है 24 KMPL, ऑफ कोर्स वो जो है हाईवे पे रहेगी और बाकी जो है कम हो जाएगी, और 130 NM के आसपास ये जो है टॉप निकाल देता है, और बाकी कुछ भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड टिल देन ड्राइव सेफ। और अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और भी जानना है तो आप जो है विजिट कर सकते हो मारुति सुजुकी के फेयर डील प्रीमियम व्हील्स पे, या फिर जो है नीचे आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे।